शिवसेना पर पकड़ किसकी, इसे लेकर निर्वाचन आयोग का फैसला आ चुका है। यानी मुट्ठी में बंद रेत की तरह उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पर विरासत का दावा करते रहे हैं, उनके मुट्ठी में बंद रेत की तरह सत्ता और संगठन दोनों ही फिसलते चले गए हैं। और अब तो ये तय हो गया है, निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि शिवसेना पर असली अधिकार, उसकी असली विरासत एकनाथ शिंदे ग्रुप की होगी जिनकी सरकार चल रही है। बीजेपी और शिवसेना की साझा सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे गुट को निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले के जरिए शिवसेना की कमान सौंप दी है। निर्वाचन आयोग ने अपने 78 पेज के फैसले में यह साफ किया है कि चूंकि अंक गणित में जिसमें सत्ता से लेकर संगठन तक हर चीज का जो वर्टिकल बंटवारा हुआ है उसमें उद्धव ठाकरे ग्रुप पीछे पड़ गया है और एकनाथ शिंदे ग्रुप कहीं न कहीं 21 पड़ा है, लिहाजा असली शिवसेना, शिवसेना का नाम और निशान उद्धव ठाकरे ग्रुप के पास नहीं होगा, एकनाथ शिंदे गुट के पास होगा। इससे आने वाले चुनावों पर जबरदस्त असर पड़ने की उम्मीद है। शिवसेना ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि किसी भी पार्टी को आनंद फानंद में निर्वाचन आयोग ने फैसला दिया है, यह तय करना कोर्ट का काम है। जबकि कोर्ट के पास इस मामले को दिए जाने से पहले सबसे पहले ये मामला निर्वाचन आयोग में ही गया था। पहले निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार को ये कहा था कि थांबा, यानी आप रुकिए, हमें देखने दे। लेकिन फिर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को यह साफ कह दिया कि वो इस मामले में आगे बढ़ सकता है और आगे जाकर कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा निर्वाचन आयोग ने सभी पक्षकारों की बात सुनी। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने निर्वाचन आयोग के आगे अपनी सारी चीजें रखी और ये जरूर कहा कि उनके पास अंक गणित थोड़ा कम जरूर है, दस्तावेज कम जरूर है, लेकिन वो हड़बड़ी में किए हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें मिल नहीं रही हैं। इन्होंने लगभग 2.5 से 3 लाख सदस्यों की बात कही, वहीं 20 लाख से ज्यादा सदस्यों की बात एकनाथ शिंदे ग्रुप ने उसके सबूत पेश किए और एक छोटे ट्रक में भरकर उन्हें अपने सारे सबूत और दस्तावेज लेकर आना पड़े। लेकिन एक तरफ इस फैसले के बाद जहां एकनाथ शिंदे ग्रुप खुशियां मना रहा है, विजय का उत्सव मना रहा है, वहीं उद्धव ठाकरे ग्रुप का कहना है कि निर्वाचन आयोग ने यह जता दिया है इस फैसले के साथ कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और ये एजेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि मुंह से निकली हुई जबान और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आते। यानी अब कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग ने यह तय कर दिया है कि शिवसेना किसकी, तो इसका सीधा जवाब है शिवसेना शिंदे की। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।